ये यादव तो हिजड़े हैं, ये यादव तो हिजड़े हैं, यादव हिजड़े हैं। सुना दोस्तों आप लोगों ने? नहीं सुना तो एक बार फिर सुनिए। ये यादव तो हिजड़े हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे दलित हों, चाहे यादव हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे जाट हों, चाहे गुजर हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चियन हों, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से मुझे इसका जवाब आप सभी लोग कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स आपकी जाति को, आपके समाज को इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करता है, आपके समाज को हिजड़ा बोलता है, तो क्या आप सभी लोग उस व्यक्ति को अपने समाज का महापुरुष स्वीकार कर सकते हैं? जहां तक दोस्तों मेरी बुद्धि जाती है, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी समाज, ऐसी कोई भी जाति, ऐसा कोई भी धर्म नहीं होगा जो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने समाज का महापुरुष के रूप में स्वीकार कर सके। लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी फूटी किस्मत है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं उस समाज से आता हूँ, मैं उस अभागे समाज से आता हूँ जिस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्ति को अपने महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यादव हिजड़े हैं ये बात किसी और ने नहीं, एक ललई सिंह जाटव नाम का व्यक्ति था जिसको यादव बोल के प्रचारित किया जाता है, इस व्यक्ति ने यादवों को हिजड़ा कहा था। और आज की डेट में यादव समाज के बहुत बड़े पैमाने पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्ति को यादव समाज का महापुरुष बताते हैं। दोस्तों सोचिए, दोस्तों कितने विडंबना की बात है कि एक व्यक्ति पूरे यादव समाज को हिजड़ा बताता है, यादवों को हिजड़ा बताता है, और यदि कोई उसको यादव बोल देता है तो उसको इस प्रकार से मिर्ची लगती है, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आता है, यादव शब्द से उसको इतनी ज्यादा घृणा हो जाती है कि बोलता है कि यादव तो हिजड़े होते हैं। और दोस्तों ये बात मैंने नहीं बोली है, ये बात मैं अपने मुंह से नहीं बता रहा हूं, बल्कि इन्हीं दलित विचारधारा के लोगों में से एक व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई है। उसने बताया है कि जब ललित सिंह यादव था, उस वक्त उसका बाप उसके साथ जा रहा था और तब उसके बाप ने ललई सिंह को यादव बोलकर संबोधित किया था। बात क्या थी आप लोग खुद सुन लीजिए। जब ललई सिंह यादव स्वस्थ हो गए तो उन्होंने घोषणा की कि मैं भी, बाबा साहब ने जिन भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है मैं दीक्षा लूँगा। और साथियों, ललई सिंह यादव ने भंते चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध हो गए। और जिस दिन वो बौद्ध हुए, उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद मुझे कोई चौधरी नहीं कहेगा, आज के बाद मुझे कोई ललई सिंह यादव नहीं कहेगा, आज के बाद मुझे किसी जाति या धर्म से संबंधित नाम से नहीं पुकारा जाएगा, आज के बाद मैं बौद्ध हूँ, अगर किसी को प्यार से सम्मान के साथ मेरा नाम लेना है तो ललई सिंह बौद्ध के नाम से मुझे पुकारे। ये ऐसी शख्सियत थी कि जिसने ऐसी घोषणा कर दी। एक बार का जिक्र मैं आपको बताता चलूँ कि महाबोधि महाविहार के लिए दिल्ली के प्रदर्शन एक दिल्ली में किया जा रहा था, और उस प्रदर्शन में अक्समास से ललित सिंह यादव भी थे और मेरे पिताजी भी थे। तो मेरे पिताजी ने ललित सिंह यादव को, वो थोड़ा आगे चल रहे थे तो ललित सिंह यादव जी कह के संबोधित किया, कहा यादव जी रुको मैं भी पीछे आ रहा हूँ। तो सम्मानित साथियों, उन्हें बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया, और उन्होंने गुस्से में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि जिसका जिक्र किया तो जा सकता है लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगता है। उन्होंने कहा, क्या आपने मुझे अभी हिजड़ा समझ रखा है? ये यादव तो हिजड़े हैं, क्या आपने अभी तक मुझे हिजड़ा समझ रखा है? मैं बौद्ध हूँ, मुझे बौद्ध कहिए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये आदमी दलित समाज का ही है और इसने साफ साफ ये बताया है कि ललित सिंह यादव को यादव शब्द से चिढ़ थी, वो इससे नफरत करता था, वो बोलता था कि ना मैं चौधरी हूँ, ना मैं यादव हूँ, ना मैं कुछ हूँ। उसने बोला भैया कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है
और अब आप मुझे ललई सिंह बौद्ध के नाम से पुकारो। तो मैं सभी लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी दलित विचारधारा के लोग हैं मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनमें वे यादव भी शामिल हैं जो दलित विचारधारा से ग्रसित हैं, कि जब ललई अपने आप को यादव नहीं मानता था, जब ललई अपने आप को बौद्ध मानता था, जब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो ना अपने आप को हिंदू मानता था ना अपने आप को यादव मानता था, तो आप लोग क्यों ललई को यादव समाज का महापुरुष बताने का प्रयास करते हैं? क्यों उसको ललई सिंह यादव के नाम से संबोधित करते हैं? ललई सिंह यादव ललई समाज का महापुरुष नहीं बल्कि एक कलंक था, और उसकी जयंती मनाने की बजाय सभी यादव समाज के लोगों को जब भी उसका जन्म आए उस दिन उसका पुतला फूंकना चाहिए, उसको चार जूतों की माला पहनानी चाहिए और उसको चप्पल और जूतों से मारना चाहिए। ऐसे आदमी की जयंती इस प्रकार से मनानी चाहिए दोस्तों। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, उसको अपना महापुरुष मानते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी जाति, ऐसा कोई भी समाज नहीं मिलेगा जो ऐसे किसी व्यक्ति को अपने जाति का, अपने समाज का महापुरुष मानता हो। दोस्तों कभी कभी ये सारी चीज़ों को देखकर मैं हताश, निराश और परेशान हो जाता हूँ, और अपने बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे इस जाति में क्यों पैदा कर दिया। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि हमारे समाज में इस प्रकार के लोग हैं, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, इतनी निम्न सोच वाले लोग हैं जो अपने ही समाज को हिजड़ा बताते हैं, अपने ही समाज के लोगों को जो हिजड़ा बोले उनको आदर्श बताते हैं, तो कभी कभी दोस्तों मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि भगवान आपने मुझे क्यों इस जाति में पैदा कर दिया। अच्छा होता मुझे किसी दलित जाति में ही पैदा कर दिया होता, मुझे भंगी बना दिया होता, मुझे खटीक बना दिया होता, मुझे कुछ भी बना दिया होता, मुझे वो स्वीकार होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं दाद देता हूँ जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, ये लोग कभी भी उस व्यक्ति को अपने समाज का महापुरुष नहीं बनाते हैं जो उनकी जाति को, उनके समाज को गाली दे। आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित समाज की किसी भी जाति को हिजड़ा जैसे शब्दों से संबोधित करेगा तो क्या दलित समाज के लोग उसको अपना महापुरुष बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे, बल्कि उसके ऊपर केस करेंगे और उसको जेल की सलाखों के पीछे धकेल देंगे। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि कम से कम दलित समाज के लोग अपने समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ते तो हैं, कम से कम उनके दिलों में अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का एक दायित्व बोझ तो है। लेकिन मैं किस समाज से आ रहा हूं? मैं उस समाज से आ रहा हूं जहां पर एक बहुत बड़े तबके ने ऐसे व्यक्ति को अपना महापुरुष बना रखा है जो यादवों को गाली देता है, जो यादवों को हिजड़ा बोलता है, जिसे यादव नाम से चिढ़ है, जो यादव बोलने पर शर्मिंदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज के कुछ लोग उसको महापुरुष बना लेते हैं, उसको अपना हीरो बना लेते हैं, उसको अपना आदर्श बना लेते हैं। और बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहेंगे कि नहीं ओम भाई, वो लोग यादव नहीं है जो इसको अपना महापुरुष बनाते हैं। दोस्तों मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे सभी लोग यादव हैं, क्योंकि मैं उन सभी लोगों को पर्सनली जानता हूं। मैं कई यादवों की मीटिंग्स में गया हूं, दो तीन मीटिंग्स में गया हूं, मुझे बुलाया गया तो मैं गया। लेकिन दोस्तों बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने भी इस देश के अंदर यादव संगठन बने हुए हैं, जितने भी यादव संगठन बने हुए हैं, सब के सब ललई को अपना महापुरुष मानते हैं। और जब मैं इन संगठनों की मीटिंग्स में गया तो वहां पर ललई सिंह की बातों को प्रचारित किया गया, उसको अपना महापुरुष बताया गया, और ये तक बोला गया कि ललई को जन जन यादवों तक पहुंचाओ, गांव गांव में ललई के विचारों को पहुंचाओ। इस प्रकार की बातें की गई दोस्तों, और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं, ये यादव संगठन के लोग बोल रहे हैं। किसी एक यादव संगठन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों उस घटना के बाद मैं आज तक किसी भी यादव संगठन की मीटिंग में नहीं गया, और मुझे जाने की बिल्कुल भी इच्छा होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी यादव संगठन के लोग हैं, ये सभी के सभी लोग या इनमें से ज़्यादातर लोग, खास तौर पर जो यादव संगठन बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वह अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, ये सारे लोग ललई को अपना आदर्श मानते हैं
और ये सारे के सारे लोग दलित विचारधारा से ग्रसित हैं। मैं तो यहाँ तक आप लोगों से बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी यादव संगठन के लोग हैं, अगर आप लोग श्री कृष्ण को ना माने तो ये लोग श्री कृष्ण को मानना बंद कर देंगे। इन लोगों के दिलों में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम, कोई आदर कुछ नहीं है। ये लोग श्री कृष्ण तक को नहीं मानते हैं, मजबूरी में जय यादव जय माधव का नारा लगाते हैं, क्योंकि आप लोग श्री कृष्ण को मानते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं, सभी संगठन वाले जानते हैं कि यदि इन लोगों ने श्री कृष्ण को त्याग दिया तो इन संगठनों को यादव समाज त्याग देगा। सिर्फ मजबूरी में ये लोग जय यादव और जय माधव का नारा लगाते हैं। दोस्तों, मैं उन तमाम दलित विचारधारा के लोगों से पूछना चाहता हूं जिनमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव आता है, इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा, मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, जब ललई बौद्ध बन गया, जब ललई यादव नहीं मानता, तो आप ललई को यादव बोलकर संबोधित क्यों करते हैं? उसको ललई सिंह बौद्ध क्यों नहीं बोलते हैं? और जब लक्ष्मण यादव तू बौद्ध बन चुका है तो तू अपने नाम के आगे से यादव क्यों नहीं हटाता है? कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हें क्या मतलब वो यादव हटाए या ना हटाए, मुझे मतलब है, मुझे मतलब क्यों नहीं होगा? आप लोग दोगले हैं जो इस प्रकार का सवाल करते हैं। जब आप लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म इसीलिए तो अपनाया ना कि वहाँ पर कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यदि आप बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद नाम के पीछे यादव लगाते हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि अभी भी आप उसी जाति के बंधन में बंधे हुए हैं और आप इस जाति के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। क्या फ़ायदा फिर आप लोगों का बौद्ध धर्म अपनाने का? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी बौद्ध बन रहे हैं, जिस खास तौर पर जो यादव समाज के लोग बौद्ध बन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने नाम के पीछे से यादव शब्द को हटाइए। उसके बाद जो आप लोगों को करना है, जैसा करना है वैसा आप कीजिए, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। कोई बौद्ध बनता है उससे ओम यादव को कोई तकलीफ नहीं है, ओम यादव को सिर्फ तकलीफ ये है कि अगर आप बौद्ध बन रहे हैं तो नाम के पीछे से यादव हटाइए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जानबूझकर यादव नहीं हटाते हैं और जानबूझकर ललई को यादव बोलकर संबोधित करते हैं। इसके बावजूद ललई नहीं चाहता था कि उसको यादव बोला जाए। जितने भी कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं जो दलित वर्ग के हैं, ये जानबूझकर यादव समाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ललई यादव की किताब देते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कि उसकी किताब को पढ़कर यादव समाज के लोग उसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाएं और दलित समाज की ओर आकर्षित हो जाएं। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति के तहत ललई को यादवों के बीच में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि ललई ने यादव समाज के लिए क्या किया? ललई ने यादव समाज के लिए एक काम किया हो मुझे बता दो। कोई काम ललई ने यादव समाज के लिए नहीं किया है और ललई यादव समाज का महापुरुष बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम यदुवंशियों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जब भी ललई की जयंती आए, जब भी ललई का जन्मदिवस हो, उस दिन ललई का पुतला फूकें, उसको चार जूतों की माला पहनाएं, उसको डंडे मारें। जितना विभत्स काम आप इस आदमी के ऊपर कर सकते हैं वैसा काम आप लोग कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना यादवों तक पहुँचाने का काम कीजिए, ताकि जो भी लोग ललई सिंह यादव की इस बात से वाकिफ नहीं है, नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। और अभी से यदि आप लोग भी ललई को अपना आदर्श मानते थे तो उसको अभी से बहिष्कार करना शुरू कीजिए। यादव समाज के पास आदर्शों की कमी नहीं है, महापुरुषों की कमी नहीं है, उन सब का सम्मान कीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके ऊपर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।